नमस्कार, मैं सहयोगिता, भारतीय जनमत न्यूज चैनल में स्वागत। देखते हैं आज की बुलेटिन। पटना के वाल्मीकि नगर लोकसभा सांसद सुनील कुमार कुशवाहा मधुबन विधानसभा क्षेत्र के कई रुक्मणी सेवा संस्थान मधुबन में पहली बार आगमन पर नागरिकों ने अभिनंदन में हजारों की भीड़ में जोश जुनून जयकारों के साथ अभिवादन किया। सांसद सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि 25 जनवरी को कर्पूरी जयंती के अवसर पर गरीब असहाय लोगों की बेटी का विवाह समारोह किया जाता है और मधुबन विधानसभा वासियों को कर्पूरी जयंती समारोह में आने का निमंत्रण दिया। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, जो 29 तारीख से जो लोकसभा चल रहा है उसमें मेरा शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण अभी बाकी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 29 तारीख से लोकसभा से चल रहा है, कोरोना काल के चलते शपथ ग्रहण हम लोग का नहीं हुआ है। लोकसभा में जब चलता है तभी शपथ ग्रहण होता है। सरकार के देख रहे हैं कि उपलब्धि थोड़ा सा इससे आपके यहाँ की उपलब्धि तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार की उपलब्धि क्या है? सरकार सुनने में आ रहा है कि कभी कहता है कि विपक्षी कह रहा है कि सरकार नहीं चलेगा, ऐसा कुछ ऐसी नहीं। सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है जी, और आदरणीय हम लोग के नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का जो गठजोड़ है बहुत अच्छे से चल रहा है और भारत और बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की कर रहा है। इत कर्पूरी वाली जो आपने बताया है कि कर्पूरी यानी कि 25 को मनाते हैं, तो यह शुरू से ही आपने इसे पूरे अथी जो जैसे कि बताया जाता है कि अपने पूरी फैमिली ही पहले शुरू से कर्पूरी वादी है कि देखिए हम बता रहे हैं जी, पिताजी जब थे ना विधायक थे तभी से हम लोग कर्पूरी जयंती और सामूहिक शादी सब करते हैं, उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कर्पूरी वादी आप लोग पूरे फैमिली यानी कि शुरू से ही हैं और वहाँ पर सामाजिक बहुत अच्छे से मानते थे पिताजी, स्वर्गीय बैनाथ उनके आदर्श कर्पूरी ठाकुर। तो उनके उपलक्ष्य में सर आप तो बहुत कुछ कर्पूरी के जैसे के बताते हैं उसमें तो बहुत कुछ किए होंगे कर्पूरी के नाम पे। वही ना, निर्धन कन्याओं का शादी विवाह जो जी हम लोग जन सहयोग से करते हैं, धूमधाम बहुत धूमधाम से, हम आग्रह करेंगे आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा करते सभी चीज, सभी आवश्यकता की चीज़ जो शादी का चीज़ होता है सभी जो हम लोग देते हैं, लड़के लड़की की बिंदी से लेकर और चप्पल तक सब टोटल चीज़ हम देते हैं, पलंग कुर्सी टेबुल क्या नहीं देते, सब कुछ गाना सब कुछ कपड़ा सब कर्पूरी के नाम पर वहाँ पर ऐसा जयंती को मनाते, सिर्फ जयंती पर मनाया जाता है लेकिन कर्पूरी के भी नाम पर वहाँ पर कुछ ऐसा है। कर्पूरी जी का मूर्ति हम जब चंपारण में कोई मूर्ति नहीं बनाते, सम्मान समारोह के अध्यक्ष जी, हम पिताजी तो नहीं रहे और हमारे पिता आदरणीय हरशंकर प्रसाद जी, मेहमान संतोष कुशवाहा जी, श्याम जी, बबलू बाबू और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मेहमान, यहाँ पर उपस्थित सभी मैं वाल्मीकि नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यह तो मेरा बहन का घर है, यहाँ पर क्या बोलना है, फिर भी अध्यक्ष जी का आदेश है तो उसको हम टाल नहीं सकते। देखिए आज का जो राजनीति है और पहले का जो राजनीति था दोनों में अंतर है, लेकिन उसी अंतराल में आज नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आज तो कोई का पिता या भाई मर जाता तो उसका भाई मुंह चुरा कर चल जाता, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो स्वर्गीय बैनाथ प्रसाद महतो जी ने पार्टी के प्रति जो समर्पण किया, उनके आदरणीय हम लोग नेता नीतीश कुमार जी के साथ जो भाईचारा अपनापन का व्यवहार था कि मेरे जैसे आदमी को उन्होंने वाल्मीकि ने से लोकसभा क्षेत्र में हमको टिकट देकर MP बनाया, बहुत ही गर्व की बात, छोटा मोटा बात नहीं है, एक सांसद का टिकट मिलना छोटा बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने जो पार्टी के प्रति उनका समर्पण था उसको उन्होंने दिखा दिया और करके दिखा दिया। रही बात दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ कि हर साल हम लोग 7-8 साल पहले से हम लोग कर्पूरी जी की जयंती मनाते हैं और वही सिलसिला आज यहाँ भी चल रहा है, तो जितने लोग हैं हम सब लोग से आग्रह और विनती भी करेंगे कि आगामी 25 जनवरी इसी 25 जनवरी को आपको जो है कर्पूरी जी की जयंती, कार्यकर्ताओं का सम्मान और आपको सामूहिक विवाह समारोह आपको नरकटियागंज में
हम आग्रह और विनती सभी लोग से करते हैं कि उस कार्यक्रम में आप लोग शरीक होइए और कर्पूरी जी की जयंती और हम लोग अच्छे से मनावें। और देखिए, कर्पूरी जी का जो सोच था, उस समाज के अंतिम पायदान में जो बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना है। समाज क्या होता है? हम तो कहते हैं समाज में दो ही है, एक अमीरी और एक गरीबी जी। और उस अमीरी और गरीबी के बीच के जो 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 है उसको पाटने की जरूरत है, तभी हम कर्पूरी जी के सपनों को बढ़ा सकते हैं और स्वर्गीय बैनाथ प्रसाद महतो जी के सपनों को हम उसको पाटने की जरूरत है। और हम आग्रह और विनती करेंगे, घर में क्या बोलना है, तो बहन का घर है मेरा, फिर कभी आएंगे तो बातें होंगी, अच्छी से बातें होंगी। हम आग्रह करेंगे 25 जनवरी को आप लोग सब लोग वहां पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।